हाँ, आज हम हनी को आर्म्स करवा रहे हैं, पवन को शोल्डर और प्रियांशु को चेस्ट करवाने वाले हैं आज। आप वीडियो को स्किप ना कीजिएगा और आगे देखिए कि कैसे मसल ग्रोथ होता है। मैं आपको साफ सब कुछ बताऊंगा कि कैसे मसल को ट्रेन करना है, जिस जिसके वीक बॉडी पार्ट है उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पूरी वीडियो देखिए, स्किप मत कीजिएगा, बस। थैंक यू। हेयर वी गो। सो आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मयंक राघव IBB प्रो पर। तो आज हम बिगिनर्स का वर्कआउट करवाएंगे। आज हम चेस्ट, शोल्डर और आर्म्स ये कवर करेंगे और आपको मैं ये बताऊंगा कि कैसे कैसे जो वीक बॉडी पार्ट्स हैं किसको कैसे ट्रेन करते हैं और वो कैसे आपके ग्रोथ करेंगे। सो दोस्तों, अब आपको मैं अपने स्टूडेंट प्रियांशु से मिलवाऊंगा, जो कि अभी सिर्फ 19 साल के हैं अभी, और अभी इन्होंने स्टार्ट किया है ये मेरे पास करीब 1-1.5 साल से हैं। और अब इन्होंने मेरे से कहा है कि मुझे बॉडी बिल्डिंग प्रैप करनी है। अब बताएंगे मैं क्या क्या डाइट लेता हूँ और क्या क्या वर्कआउट आजकल चल रहा है इनका। आजकल डाइट वेट क्या ले रहे हो आप? जैसे अभी मॉर्निंग का वर्कआउट है, उट में एग्स होते हैं फिर रात में ओनली चिकन बॉइल एंड। तो जैसा आप देख रहे हो कि हर 2 घंटे बाद एक ना एक मील है, और आजकल आपने देखा होगा कि जैसे पैड्स पे जो ज़्यादातर पैड यूज़र्स हैं सब पैड्स पे ही रहते हैं, डाइट और वर्कआउट पे इतना ध्यान नहीं देते। अब देखिए, ये सिर्फ 19 साल एज है खाली इनकी, और इनकी बॉडी का शेप स्ट्रक्चर देखिए, काफ़ी ग्रोथ हो चुका है। और इन पर हम अभी और काम करेंगे और आपको जल्दी आपको ये स्टेज पर दिखेंगे। तो आज हम इनको वर्कआउट सेशन कराएंगे, आज हम चेस्ट करेंगे। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि चेस्ट का, जिसकी चेस्ट वीक है, जो जिनकी चेस्ट ग्रोथ नहीं होती, उसके लिए आपको मैं चीज़ें बताऊंगा कैसे कैसे आपको मसल्स को ट्रेन करना है, और वो बहुत ज़रूरी है। और आज मैं स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है? आ जाओ, चलो पहले वार्म कर लो चेस्ट का, पुशअप वगैरह करो। और जब तक ये वार्म अप कर रहे हैं, तो मैं आपको आज अपने दूसरे स्टूडेंट से मिलवाऊँगा, जो कि पवन गुप्ता है, और ये भी मेरे पास करीब 2 साल से हैं, और ये भी अभी 20-21 साल के ही हैं खाली। और इन्होंने पहले काफ़ी नेचुरल वर्कआउट किया, अब इन्होंने भी कहा है मेरे से कि मेरे को भी अब एक बार स्टेज खेलना है, तो हम इनके साथ शोल्डर का वर्कआउट करेंगे। शोल्डर वार्म करते हैं पहले। तो जैसे कि आपने देखा होगा, ये मैन फिजिक में कम्पीट करेंगे, इनका जो स्ट्रक्चर है वो मैन फिजिक के हिसाब से बिल्डअप किया है हमने पूरा, ठीक है? और शोल्डर पर आज ज़्यादा काम करेंगे हम, क्योंकि मैन फिजिक में शोल्डर टू वेस्ट रेशियो ये ज़्यादा चलता है, ठीक है? और हम इनके जो लैकिंग बॉडी पार्ट्स है उन पर भी ज़्यादा काम कर रहे हैं, जैसे चेस्ट वगैरह इनकी ज़्यादा बहुत ज़्यादा लैकिंग बॉडी पार्ट है, उस पर हम आगे वीडियो बनाएंगे उसके ऊपर। चलिए इनका वार्म करते हैं और फिर इसके बाद आपको वीडियो पे आगे ले चलते हैं। और ये हमारे हनी भाई हैं, और ये हमारे तीसरे स्टूडेंट भी आ चुके हैं, और इनके साथ हम आज करेंगे आर्म्स वर्कआउट। और ये भी मेरे पास कब आए थे? दो साल हो गए आपको? अभी दूसरा पूरा नहीं हुआ। और जब ये आए थे, इनका वेट था 45 kg, 94 चल रहा है इनका करंट वेट अभी। इनको खाली फिटनेस के लिए और अपना साइज गेन रखना है, इनको खेलना नहीं है। और ये थोड़ा ज़्यादा नेचुरल पे ही रहते हैं, ये दूध घी वैसे वाले वेजिटेरियन बंदे हैं ये। और इनका भी आपको मैं आर्म्स वर्कआउट बताऊँगा कैसे क्या करना है, कैसे ग्रो करना है। चलिए वार्म करते हैं। चलो पहले आज हम स्टार्ट करेंगे डंबल प्रेस से, तो स्टार्ट करते हैं एक बार हम। चलो, हाँ, लेग्स को आगे रखो, जितना आप लेग्स को, जितना आप बॉडी को बैलेंस में रखोगे उतना अच्छा इफेक्ट पड़ेगा शोल्डर पे। हाँ, बहुत बढ़िया। चलो शाबाश। अब ये तो सभी करते हैं, ठीक है? अब इसके बाद क्या करना है, इसको हैमर पोजीशन पे ले आओ, ठीक है? ये इसको ऐसे रखना है हमने, और इसको स्क्वीज करना है। चलो उठाओ फ्रंट डेल्ट को, हाँ उठाओ, और ऊपर स्क्वीज, एल्बो अंदर, हाँ, और ऊपर। ये बहुत अच्छा वेरिएशन है बॉडी स्ट्रेट। बस ये बहुत अच्छा वेरिएशन है, जिसके फ्रंट डेल्ट ग्रो नहीं हो रहे, और उसको अगर आप ये करा दोगे, उसके डेल्ट बिल्कुल ही अच्छे ग्रोथ होने स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि जब तक आप मसल को ट्रेन नहीं करोगे,
कितने लोगों के खाली बस एक एक्सरसाइज करी, रेस्ट किया बीच में बहुत देर तक, उससे कुछ फ़ायदा नहीं है। जब तक मसल को ट्रेन नहीं करोगे और डाइट अच्छी नहीं लोगे तब तक मसल ग्रोथ नहीं करेगा। ये जिनके फ्रंट डेल्ट वीक है उनके लिए ये वर्कआउट है, ठीक है। और इसकी रेप रेंज रखनी है हमने 15-20 रेप्स और 4 सेट रखने हैं इसके। हाँ, वेट अपने वेट कोई ऐसे हैवी लिफ्टिंग है ना, क्योंकि इसमें हैवी वेट इसमें लगेगा ही नहीं पहली बात, क्योंकि रेप रेंज इसमें 15-20 रेप्स है। और मॉडरेट वेट रखना है जिसमें आपका मसल फटीक हो जाए अच्छा सा। नॉर्मल डंबल प्रेस में उसमें 15-20 रैप और फ्रंट डेल्ट में भी। शोल्डर को हमें पूरा कवर करना पड़ता है, तीन पोस्टर होता है, इंटीरियर, मिडल हेड और पोस्टर, ठीक है। तीन हेड होते हैं, 1, 2, 3। अभी हम मैंने दो की फ्रंट की बताई है, अब मिडल हेड की बताऊंगा इसके बाद, और लास्ट में एक की बताऊंगा इसकी रियर डेल्ट की, ठीक है। तो अभी हम मिडल हेड इसको ट्रेन करते हैं और उसके लिए आपको बताता हूँ एक्सरसाइज। चलो, बॉडी स्ट्रेट सीधा, हाँ सिर्फ यहाँ तक। इसको ज़्यादा ऊपर, लेकिन ज़्यादा ऊपर लेके जाओगे तो आपका फिर ट्रैप्स भी ट्रेन होंगे। ट्रैप्स को ट्रेन नहीं करना, हमने सिर्फ इसको उठाना है खाली, और सिर्फ अब इससे उठाना हमने, ठीक है। चलो, हाँ पोस्टर, हाँ ठीक है, एकदम ओके है बिल्कुल। और आर्म्स को बिल्कुल स्ट्रेट लेके जाना है, कोई ज़्यादा बेंड नहीं करना, कुछ नहीं करना, सिर्फ स्ट्रेट खाली, सिर्फ मिडल हेड से उठाना है खाली हमने। इसका कोई यूज़ नहीं है ज़्यादा, सिर्फ इससे उठाना हमने खाली, मिडल हेड से खाली, क्योंकि जिस बॉडी पार्ट को ट्रेन करेंगे उसी को ही चलाना है ज़्यादा हमने। ज़्यादा लोग आर्म्स को चलाते हैं तो उनके फोर आर्म्स वगैरह भर जाते हैं, वो सब नहीं करना हमने। चलो, इसमें भी सेम रैप रेंज 15-20 रैप, 4 सेट, और नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। आओ डंबल ले लो, 2-5 kg डंबल दे दो। साइड लिटर के साथ हम सुपर सेट मारेंगे, ठीक है। चलो, इसको ऐसे रखना है, ठीक है। ये हमने, और सिर्फ इसको जो डेल्ट है ना खाली, सिर्फ इसको उठाना है। ये हमने सिर्फ वेट पकड़ लिया खाली, इसका कोई यूज़ नहीं है हमारे हाथ का, सिर्फ डेल्ट से उठाना हमने, ठीक है। चलो, स्लो स्लो, बस स्लो स्लो। ये जितना जितना स्लो करोगे इसको ट्रेन, उतने जो शोल्डर राउंडनेस आती है ना वो आपको दिखेगी इसमें आपको। हाँ, सिर्फ इसको उठाना है डेल्ट को खाली, बस सिर्फ डेल्ट को। हाँ, ये सिर्फ ये बस खाली, ये बस खाली। आप देख रहे हो शोल्डर में कितनी राउंडनेस आ रही है, कि कैसा मसल स्क्वीज हो रहा है बिल्कुल पूरा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रैप रेंज 15-20 रैप्स, 4 सेट्स। दिखाओ, ऐसे देखा साइड से ऐसे। ये देखो शोल्डर में जो राउंडनेस आ रही है, ऐसे बोल, ये शोल्डर पूरी राउंडनेस जो आ रही है ये इनसे ही बनेगी। जितना आपका ये भी ट्रेन होना चाहिए, ये भी ट्रेन होना चाहिए, ये भी ट्रेन होना चाहिए, तीनों हेड ट्रेन होना चाहिए हमारे शोल्डर के। अब हम नेक्स्ट वर्कआउट करेंगे आपका रियर डेल्ट का। ये काफ़ी लोग ट्रेन नहीं कर पाते हैं, इसको ट्रेन करने की मैं आपको बेस्ट एक्सरसाइज बताऊंगा कि इसको ट्रेन कैसे करना है। कितने लोग इसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाते मसल को, कि कॉन्ट्रैक्शन कैसे लेके आना है, वो ट्रैप्स को और बैक को इनको कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा कर लेते हैं इसकी बजाय। तो मैं आपको आज बताऊँगी कॉन्ट्रैक्ट इसको रियर डेल्ट को कैसे करना है, और बहुत ही आसान तरीका है जिससे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा वो इस वीडियो को देख के बहुत आराम से सीख जाएगा कि कॉन्ट्रैक्शन कैसे बढ़ेगा रियर डेल्ट में। हेलो, रिवर्स फ्लाई मारेंगे। तो रियर डेल्ट के लिए हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, ये देखो ये रहा रियर पूरा, ये चल रहा है। जिसके रियर डेल्ट डेवलप नहीं होते वो ये सुपर सेट इसका अगर कर ले तो उसका रियर डेल्ट अच्छा डेवलप हो जाएगा। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने शोल्डर वर्कआउट फिनिश कर लिया है, और आप इसको फॉलो कीजिए। एक बार आप मुझे बताइए कि आपको शोल्डर वर्कआउट कैसा लगा, आप भी एक बार करके देखिए, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको शोल्डर वर्कआउट मेरा कैसा लगा। बढ़ते हैं अब हम अगली वर्कआउट की तरफ, और अगला वर्कआउट हम करेंगे चेस्ट, जो कि प्रांशु के साथ करेंगे हम। चलो प्रांशु, चेस्ट वार्म हो गया, सारा वार्म कम्प्लीट हो गया हमारा, और हम बेंच प्रेस से स्टार्ट करेंगे। जिसका इंक्लाइंड और ये वीक रहता है, मैं आपको पूरा ही बताऊंगा पूरा चेस्ट का, उसके लिए हम पूरा कवर करेंगे, ठीक है। चलो, वेट बहुत ज़्यादा मॉडरेट रखना है, ज़्यादा कुछ इतना हैवी लिफ्टिंग नहीं करनी है हमें, क्योंकि हम पावर लिफ्टर नहीं है पहली बात। अगर आपको, आप बॉडी बिल्डर्स हैं, बिगिनर्स बॉडी बिल्डर हैं, सारे के लिए बहुत अच्छा वर्कआउट है। ग्रिप बहुत ज़्यादा वाइड नहीं करनी है, जैसे बहुत जिमों में कहते हैं कि ग्रिप हमें बहुत ज़्यादा वाइड हो तो चेस्ट बहुत बड़ी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं करना, नॉर्मल ग्रिप रखनी है हमने, ठीक है। और ये आई लेंथ पे होना चाहिए, जो रॉड होता है थोड़ा सा आगे हो जाएगा हल्का सा, बस। चलो अप, हाँ अप, ग्रिप का अंदर, बहुत बढ़िया, शाबाश। कॉन्ट्रैक्शन सारा जब तक रॉड को आप इस पर नहीं रखोगे, जब तक अगर आप यहाँ रखोगे रॉड को तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं बढ़ेगा, इस पर रखना पड़ेगा हमें, इससे हमें प्रेस करना पड़ेगा, तभी आपका कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ेगा।
जैसे हमने इसके 15 रेप्स किए, अब इसके बाद चेंज कर देना है, ये देखो ये थोड़ा सा पीछे और ये हाफ यहाँ तक लेके आना है बस, खाली बस, और यहाँ से अप, ये यहाँ से अप करना है खाली अप। जिसका इंक्लाइंड वीक है उसके लिए बहुत अच्छा वर्कआउट है ये, मिडल चेस्ट पे भी करेगा ये और आपका अपर चेस्ट पे भी बहुत अच्छा वर्क करेगा ये। हाँ, रिस्ट सीधी, एल्बो बाहर, बस इतना हाफ, इतना ही बस, इतना ही बस, इतना ही बस, यहीं से अप, होल्ड, स्लो स्लो रैप्स, स्लो रैप्स, ज़्यादा नीचे लेके नहीं आना, ज़्यादा नीचे लेके आओगे अगर आप तो इंजरी होने के चांस बढ़ जाएंगे। ज़्यादा नीचे नहीं लेके आना, हमने सिर्फ हाफ रैप्स करने हैं खाली और बहुत स्लो मूवमेंट के साथ हमने खाली बस इतना। चलो अब अगला वर्कआउट करते हैं हम, इंक्लाइन डंबल प्रेस, इसका भी सुपर सेट लगाएंगे, उसको भी आपको बताऊंगा कि कैसे करना है हमने। चलो सुपर कर लो। अगला वर्कआउट है हमारा इंक्लाइन डंबल प्रेस, इसमें भी दो मूवमेंट रहेंगी, वो आपको मैं दिखाता हूँ कैसे क्या। चलो सबसे पहले तो हम ये ऐसे, चलो अब इंक्लाइन को प्रेस करो ऊपर, हाँ ये बहुत बड़े, 1 2 3 4 5 6, इसके 15 रेप लगाने हैं और इसके बाद जब मूवमेंट चेंज करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ कैसे मूवमेंट चेंज करनी है आपको। होगा 15 हो गए, अब ये अभी ऐसे किया ठीक है, अब इसको नॉर्मल ऐसे बस और हाफ रेंज बस, यहीं से आप अप, यहीं से आप सिर्फ इसको प्रेस करना है खाली बस। आप देखिए चेस्ट कैसे कितना कितना इंक्लाइन उठ रहा है, देखो यहीं से, यहीं से अप, यहीं से अप, यहीं से अप, हाँ एल्बो बाहर, बस बस 15 रैप्स इसके, बस ज़्यादा नीचे लेके नहीं आना हमने इसको, अब सिर्फ यहीं से हाफ हाफ प्रेस खाली बस, बस बस, थैंक यू, ठीक है। ये देखिए इंक्लाइन पे कितना पंप, कितना अच्छा पंप आ गया है इंक्लाइन चेस्ट पेन की। चलो अब अगला वर्कआउट करते हैं हम क्रॉस केबल फ्लाइज, इस पर भी आपको दो मूवमेंट बताऊंगा कि कैसे आपको करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसमें भी दो मूवमेंट रखेंगे हम फ्लाइज में, ठीक है। चलो हाँ यहाँ से बस, 1 2 3 4 5 6, इसके भी 15 रैप मारने हमने, ठीक है। रैप रेंज हमारी 15 से 20 रैप रहेगी, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चेस्ट पे बहुत अच्छी फुलनेस आ जाएगी इससे, और अब इसको चेंज करना है ऐसे बस, अब इंक्लाइन प्रेस, ये शोल्डर, शोल्डर डाउन, शोल्डर डाउन, हाँ बस, अब ज़्यादा पीछे लेके नहीं आना आगे से, बस ज़्यादा पीछे नहीं, ज़्यादा पीछे नहीं, बस स्लो स्लो रैप। ये जो ऊपर जो जो सेकंड मूवमेंट है वो हमारी बहुत स्लो रहेगी, तभी इस पर कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा अच्छा बढ़ेगा। चलो स्लो रैप्स, हाँ स्लो रैप्स, जैसा आप देख रहे हो देखो इंक्लाइन पे कितना अच्छा पंप आ रहा है, हाँ जितना इसको ट्रेन करेंगे हम उतना अच्छा आपका ग्रोथ बढ़ेगी आपकी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, हाँ। हाँ ऐसे पंप करो ऐसे, हाँ ये बहुत बढ़िया, चेस्ट भी ऐसा, ये देखिए फाइबर्स वगैरह सब दिख रहे हैं, देखिए पंप भी अच्छा आ रहा है ऐसे बहुत। तो अगला वर्कआउट हम करेंगे सुपर सेट मारेंगे इंक्लाइन रॉड और बटरफ्लाई का, ठीक है। तो स्टार्ट करते चलिए, इसमें भी सेम वही रहेगा, कोई हमें ग्रिप बहुत ज़्यादा वाइड नहीं पकड़नी, बहुत ज़्यादा नैरो नहीं पकड़नी, हमने नॉर्मल ग्रिप पकड़नी है हमने, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं अप, हाँ एल्बो डाउन, थोड़ा थोड़ा सा आगे रहेगी ये एल्बो डाउन, हाँ बस अप, सिर्फ चेस्ट को उठाना खाली हमने, खाली भाई इतना बस, ये देखिए बहुत बढ़िया, शाबाश। इसमें भी रैप रेंज हमारी 15 से 20 रैप रेंज रहेगी, और 4 सेट करने इसके, 4 सेट्स करने इसके, बहुत अच्छे, शाबाश, हाँ अब, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आ जाओ। अब इसके इसके साथ हम अपना बटरफ्लाई इसको ऐड करेंगे, और ये जितना आप चेस्ट को जितना ब्लड फ्लो आप पहुँचाओगे उतना अच्छा पंप भी आएगा और ग्रोथ भी अच्छी करेगी चेस्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं, इसमें ज़्यादा रेस्ट नहीं लेना, और ये सुपर सेट है, ज़्यादा इसमें रेस्ट ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है,
आपने जैसे वो वाला इंक्लाइंड बेंच प्रेस कंप्लीट किया और तभी तुरंत ही इस पे आ जाना है, ठीक है। चलो नॉर्मल मारेंगे, ठीक है। इसमें थोड़ा सा हमने ना आगे रहना है, ज़्यादा 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 पीछे हो के बिल्कुल ऐसे फ्लैट में हो के नहीं मारना हमने, थोड़ा हल्का सा आगे रह के, बहुत थोड़ा सा बस इतना सा। चलो स्टार्ट अब। हाँ एल्बो थोड़ी डाउन रहेगी इसमें, हल्की हल्की सी डाउन रहेगी ऐसे, ठीक है। चलो ये आप अप चेस्ट अप, हाँ और चेस्ट अप रहेगी, जितने आप उठा के कॉन्ट्रैक्ट करोगे उतना अच्छा मसल पे फील आएगा। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, ज़्यादा और इसमें ज़्यादा पीछे मत ले, ज़्यादा पीछे लेके नहीं आना, नहीं तो फिर आपका शोल्डर इंगेज हो जाएंगे, ज़्यादा पीछे मत लेके जाओ, बस यहीं तक बस। हाँ सिर्फ इसको इसको स्क्वीज करना है खाली, बस यहाँ से बस खाली। हाँ शाबाश 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 शाबाश, थोड़ा सा पीछे थोड़ा सा पीछे बस। इसमें भी सेम हमारे चार सेट रहेंगे, 15 से 20 रेप आएंगे। वेट कोई हमें बहुत ज़्यादा हैवी लिफ्ट नहीं करना, हमें मॉडरेट वेट रखना है जिसमें हमारे रेपिटेशन हमारे आ जाए आराम से, 15 से 20 रेप उसमें भी, 15 से 20 रेप इसमें भी आ जाए हमारे, इतना वेट रखना है हमने बस। और कुछ नहीं, हमें ज़्यादा कुछ इतना बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे कि हम 100 किलो की बेंच मार रहे हैं उससे साइज़ बढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। साइज़ हमेशा जब तक मसल को आप पीटोगे नहीं और डाइट अच्छी नहीं लोगे जब तक ग्रोथ नहीं करेगा। चेस्ट और शोल्डर हमारे कवर हो चुके हैं, अब हम करेंगे आर्म्स का वर्कआउट, जिनकी पीक नहीं बनती और जिनके ट्राइसेप्स भी बहुत ज़्यादा स्मॉल या छोटे रह जाते हैं, उनके लिए मैं आपको बहुत अच्छा वर्कआउट बताऊँगा कि इसको कैसे परफॉर्म करना है और कैसे ग्रोथ होगी इसकी। हेलो रॉड, सबसे पहले हम बाबल रॉड कर्ल से स्टार्ट करते, रॉड कर्ल ले लो स्ट्रेट रॉड। हाँ चलो इस पर, इस पर भी हमें बहुत ज़्यादा वेट नहीं लिफ्ट करना है, नॉर्मल वेट रखना है, 5-5 किलो इनफ रहेगा, बहुत रहेगा इनफ। बाकी आप आपको जैसा आपको जैसा सपोर्ट करें, मॉडरेट वेट रखना है, बहुत ज़्यादा हैवी वेट लिफ्ट नहीं करना। इसका सुपर सेट रहेगा, ट्राइसेप्स को भी साथ में ऐड करेंगे, एक सेट आपका बाइसेप का और एक सेट ट्राइसेप्स का। चलो टोटल इसके 3-3 वर्कआउट रहेंगे, 3 बाइसेप्स के और 3 उसके ट्राइसेप्स के, क्योंकि छोटा मसल है, ज़्यादा ट्रेन नहीं करना है इसको। तभी बहुत कितने लोग होते हैं कि बहुत ज़्यादा ट्रेन कर देते हैं एक मसल को, 6-6 एक्सरसाइज 7-7 एक्सरसाइज एक छोटे छोटे मसल को, बड़े मसल को करना बहुत अच्छा अच्छी बात है, बड़े मसल को अगर आप ट्रेन करोगे उसमें तो आप 10-10 एक्सरसाइज भी ऐड कर सकते हो, लेकिन छोटे मसल को आप मैक्सिमम 4 एक्सरसाइज, उससे ज़्यादा 4-5 एक्सरसाइज, उससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। हम खुद बड़ी मसल के लिए, हम तो खैर एथलीट हैं, हम लोग तो एक बॉडी पार्ट हमारा 12-13 वर्कआउट का रहता है हमारा, और जितने हमारे लेग्स वगैरह हैं इन पे हम बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हैं, और आपको लेग्स वर्कआउट भी आपको मैं दिखाऊंगा कि हम लोग लेग्स का वर्कआउट नेक्स्ट लेवल चलता है हमारा, बहुत ही ज़्यादा मतलब लेग्स वर्कआउट मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा, मैं खुद करके दिखाऊंगा लेग्स वर्कआउट कैसे करते हैं हम लोग। और अभी हम बाइसेप्स का स्टार्ट करते हैं, तो हनी चलो स्टार्ट करो, पहले क्लोज मारेंगे हाफ नीचे से, ठीक है। ग्रिप को पहले क्लोज पकड़ना है मैंने, और थोड़ा क्लोज कर लें यहाँ से, और क्लोज अंदर 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 बस। इसको स्टेबल, ये स्टेबल रहेगा एक जगह, ठीक है, और इसको नीचे और यहाँ तक हाफ, यहाँ से हाफ लेके आना है खाली, और रिस्ट और इधर आइए, ये देखिए ये लोग क्या करते हैं बहुत ज़्यादा, इसको रिस्ट को ऐसे ऊपर कर लेंगे, तो ये फोर आर्म पे, तो ये देखो फोर आर्म, ये देखो फोर आर्म कनेक्ट हो गए, देखो ये देखिए ये फोर आर्म, बहुत लोगों क्या होता है बाइसेप जब मारते हैं फोर आर्म्स भर जाते हैं, वो नहीं करना हमने, ठीक है। रिस्ट थोड़ी सी हल्की सी नीचे रहेगी हल्की सी, और सिर्फ इसको यहाँ से उठाना हमने खाली बस, इस इतना ऊपर नहीं कह रहे, हाफ मूवमेंट रखनी खाली, चलो हाफ मूवमेंट खाली बस, स्लो स्लो स्लो, यहाँ तक जहाँ तक मेरे हाथ यहाँ तक लाओ, बहुत बढ़िया शाबाश, स्लो स्लो मूवमेंट, हाँ बस स्लो मूवमेंट। हाँ इसके भी 12-15 रेप रेंज करनी, इसकी ज़्यादा रेप रेंज नहीं करनी, और थोड़ी स्लो मूवमेंट रहेगी इसकी, ठीक है। जिनकी पीक कवर नहीं होती, जिनकी यहाँ से पीक नहीं उठती है, वो उसके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अब हम ट्राइसेप करेंगे साथ में इसके, पुली पुश डाउन हम करेंगे रोप से करेंगे, और हम इसमें ज़्यादा मॉडरेट ही वेट रखेंगे, ज़्यादा वेट नहीं रखेंगे इसमें हम, तो आ जाओ। तो इसमें क्या करना है, जैसे हाँ ये बहुत से लोग ये करते हैं कि ऐसे बेंड हो जाएंगे बहुत ज़्यादा और ऐसे फ्लाएंगे, ये सब नहीं करना हमने, बिल्कुल स्टेबल मूवमेंट रखनी है हमने, एल्बो पीछे रहेगी ऐसे, और रिस्ट ये हमें ऐसे खोलनी नहीं है, हमें सीधी सीधी नीचे ले आनी है,
ठीक है, और जो हमारा लॉन्ग हेड है इसको ज़्यादा ट्रेन करें तभी हमारा ट्राइसेप्स बड़ा दिखेगा। चलो बॉडी सीधी, बॉडी स्ट्रेट, बॉडी स्ट्रेट, बॉडी स्ट्रेट, सीधी ऐसे, हाँ सीधा 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 सीधा, ये ऐसे सीधा 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 सीधा, खोलना नहीं, खोलना नहीं, खोलना नहीं, खोलना नहीं है, ये ऐसे सीधा सीधा ऐसे सीधा, हाँ अभी देखिए पूरा लॉन्ग हेड पूरा चल रहा है, पूरा लॉन्ग हेड पे आ रहा है पूरा, खोलना नहीं है इसको, खोलना नहीं है, सीधा सामने देख, सामने देख, मान लो ये सीधा ऐसे बस खाली, ये देखिए बहुत लोग बहुत ज़्यादा इसको वाइड करके ऐसे मारते हैं, वो सब नहीं करना हमने, एल्बो को अंदर रखना है हमने बिल्कुल, और सीधा सीधा करना हमने खाली वजह से, इसको चुपका मत ना, इसको यहीं से रखो ऐसे बस, शाबाश ऐसे बस ये, हाँ इसकी भी रेफरेंस हमारी 15-20 रैप रहेगी इसकी, और 4 सेट्स करने हैं इसके, 4 सेट्स, हेलो अगला वर्कआउट हम करेंगे प्रीचर कर्ल और ओवरहेड पुली, ठीक है। चलो इसमें भी मॉडरेट वेट रखना है, इसमें भी कोई हैवी लिफ्ट नहीं करना बहुत ज़्यादा। अब इसमें पोजीशन क्या रहेगी, बहुत लोग ऐसे लटक लटक के मारते हैं ऐसे, दिखाओ जरा मार के दिखाओ कैसे मारते हैं, ऐसे मारते हैं और मतलब बिल्कुल ही बैक को बिल्कुल ही बेंड कर देंगे, वो सब नहीं करना हमें, बैक का आर्च बना के आराम से नॉर्मल फिट बैठना है ऐसे, और इसको कोशिश करना जितना दूर रहे हमारा इससे, ठीक है, उतना हमें उसको वो करना है, ठीक है बस ये बस। चलो अब ग्रिप भी इसमें सेम ऐसी रहेगी जैसे मैंने आपको बताया था, हल्की सी रिस्ट नीचे रहेगी, बिल्कुल ऊपर नहीं रहेगी, बिल्कुल हल्की सी नीचे रहेगी। चलो हाँ अब हाँ ऐसे, अब इसमें जो रेंज है हमारी, जो रेंज ऑफ मोशन है वो पूरा जाएगा नीचे तक, बहुत बढ़िया शाबाश, हाँ इसमें हमने झुकना नहीं है बिल्कुल भी, सीधा ऐसा स्ट्रेट रखना है बॉडी को, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसका भी रेफरेंस 15-20 10-15 रैप रहेगा इसका, बहुत बढ़िया। इसमें पहले रैप से ही आपका इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे बहुत से लोग बहुत ज़्यादा मतलब बहुत से लोग कहते हैं कि हमें पंप नहीं आ रहा है या हमारा फोरआर्म भर गया है, इसमें इसमें कोई ऐसा आपको इशू आएगा ही नहीं इसमें कोई भी, आपको आ जाओ। इसका भी सुपर सेट करेंगे हम ओवरहेड पुली के साथ, रोप के साथ करेंगे वो भी हम। चलो इसकी भी रेफरेंस 15-20 रैप रहेगी इसकी रेफरेंस ट्राइसेप्स की, और इसके 4 सेट रहेंगे इसके भी, ये देखिए ट्राइसेप्स पूरा ट्रेन हो रहा है ट्राइसेप्स। EAA या BCAA को रिकमेंड करते हैं, हेलिक्स लैब्स का ये बहुत अच्छा, आप इसको एक बार ट्राई करके देखिए, अमीनो एसिड बहुत अच्छा है ये, और मैं सभी स्टूडेंट को और मैं खुद भी यही करता हूँ, और इसके इफेक्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है कुछ नहीं है। 10 ग्राम EAA 4.4 ग्राम BCAA 30 सर्विंग के साथ, और बहुत अच्छे के प्राइस लिस्ट पे आपको मिल जाएगा, आप मेरे इंस्टाग्राम पे आप देख सकते हैं, उस पे आप वहां से आप परचेज कर सकते हैं। थैंक यू। इसकी एक स्कूप की सर्विंग है और बहुत अच्छा EAA है इसका, मैंने खुद यूज़ करता हूँ, मैं सारे मेरे स्टूडेंट सब यही यूज़ करते हैं, सारे जिम में जाता है जितने भी मेरे एथलीट्स हैं सारे सब ये यूज़ करते हैं। एक बार आप पी के देखिए, बस को यूज़ करके देखिए, बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं। तो आज हमने अपना शोल्डर चेस्ट शोल्डर वर्कआउट, चेस्ट वर्कआउट और आर्म्स कवर किया है आज हमने, तो आप लोगों को वीडियो कैसे लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आगे भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाते रहूँगा आपको। मैं नेक्स्ट मंथ से अपना ट्रांसफॉर्मेशन भी दिखाऊंगा आपको, मैं कैसे हम ओकार जैसे कि है मेरे पास अप्रोच शो के लिए मैं तैयारी करूंगा, मैं आपको नेक्स्ट मंथ से सितंबर से आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि मैं कैसे तैयारी करता हूँ। आगे भी आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ दिखाता रहूँगा, आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सेव कीजिए, इस वर्कआउट को फॉलो करके देखिए।